हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 108 कवर करेंगे, विच टॉक्स अबाउट राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी। सेक्शन नंबर 108 ऑफ टीपीए, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक राइट्स फॉर लेसर। हाउएवर, इट डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक राइट्स ऑफ लेसर, सिंस राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। ये कोरिलेटिव होती है, हमने ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ा है। द लाइबिलिटीज ऑफ लेसी वुड मीन द आइडेंटिकल राइट्स ऑफ लेसर, यानी कि जो लाइबिलिटीज हैं लेसी की, दैट इज इक्वल टू द राइट्स ऑफ लेसर। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या लाइबिलिटीज हैं लेसर की। 108 में आपको ए क्लॉज से सी तक मिलेगा। ये ड्यूटी टू डिस्क्लोज एनी लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, कुछ अगर बाद में कुछ डिफेक्ट वगैरह हुआ है तो ये मतलब लेटेंट का मतलब है छुपी हुई अगर कोई चीज़ है, तो ये कोई मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिफेक्ट है जो उसको जानना जरूरी है तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है। ड्यूटी टू गिव पोजेशन टू द लेसी एज इट रिक्वेस्ट एट इज रिक्वेस्ट, तो ड्यूटी है ये लेसर की कि जब लेसी पोजेशन मांगे उसकी रिक्वेस्ट पर उसको पोजेशन देना। ड्यूटी फॉर अ कोवेनेंट फॉर क्वाइट एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लेसी, मतलब प्रॉपर्टी क्वाइटली अपना एंजॉय कर सके लेसी, ये भी जो है लेसर की लाइबिलिटी है कि ये चीज़ भी वो देखे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन राइट्स ऑफ लेसी डी से लेकर के जे में बताई गई हैं। सो राइट टू एंजॉय द एक्रीशंस, एक्रीशंस का मतलब है जो भी एडिशंस इन द प्रॉपर्टी टू द लीज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। देन राइट टू अवॉइड द लीज इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब वो अवॉइड कर सकता है, मना कर सकता है लीज को, अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो गया प्रॉपर्टी का, फायर, टेम्पेस्ट, फ्लड, वायलेंस ऑफ एन आर्मी और एनी अदर इरेजिस्टिबल फोर्स, मतलब जिसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता था, अगर इस तरीके किसी वजह से हुआ है तो अवॉइड कर सकता है वो लीज को। देन राइट टू रिपेयर द प्रॉपर्टी व्हेन लेसर फेल्स टू डू सो, वो मतलब रिपेयर कर लेगा जहाँ कहीं भी मटेरियल उसको लग रहा है कि करना जरूरी है, बिना इसके कि अगर काम नहीं चलेगा तो वो रिपेयर कर सकता है अगर लेसर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो। और उसके बाद फिर जो भी वो रेंट देगा ना लेसर को, उससे वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा कि भाई मैंने 500 रुपये का खर्चा किया था ये चीज़ रिपेयर करने में, तो 500 रुपये में कम देगा वो रेंट में, ये चीज़ है। फिर उसके बाद राइट टू मेक सच पेमेंट्स विच आर ऑब्लीगेटरी, ऑब्लीगेटरी मतलब कि ड्यूटी है लेसर की करना, एंड टू डिडक्ट सच अमाउंट फ्रॉम रेंट, तो जो भी कुछ पेमेंट्स वगैरह हैं जो कि ड्यूटी है लेसर की, अगर उसने वो दे दिए हैं तो वही चीज़ें वो डिडक्ट कर लेगा। देन राइट टू रिमूव द फिक्चर्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग टेनेंसी, जो भी कुछ उसने फिक्चर्स, फिक्चर्स का मतलब होता है जो भी कुछ फर्नीचर वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसने ऐड किया था जब वो लीज के लिए आया था, जब वो लीज पर था, तो वो भी रिमूव करने का राइट है उसके पास कि जब वो जाए, जब लीज मतलब टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, तो वो लेकर के जा सकता है। देन राइट टू हैव द बेनिफिट ऑफ द क्रॉप्स, जो भी कुछ क्रॉप्स, अगर मान लो कोई लैंड वगैरह लीज पर दे रखी थी, तो अगर जो भी क्रॉप्स के बेनिफिट हैं उसका वो फायदा उठा सकता है अगर उसने प्लांट किए हैं और एंड ही हैज और ही हैज सोन। ठीक है। देन राइट टू सबलेट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सबलेट भी कर सकता है लेसी, लेसी अपनी जो प्रॉपर्टी जो उसको लीज पे मिली है वो किसी और को भी लीज पे दे सकता है, इसको हम सबलेटिंग बोलते हैं। लेकिन ये जनरली जो होता है ये आपके लेसर की परमिशन के उससे होता है, जब तक लेसर परमिशन नहीं देगा तब तक आप, मतलब लेसर की परमिशन लेना जरूरी होती है, लेसर की परमिशन लेकर के आप सबलेट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए लेसर ने उसको प्रॉपर्टी 10,000 में दी थी, 10,000 महीने में दी थी, और ये जो है 5,000 महीने में किसी को प्रॉपर्टी सबलेट करना चाहता है या 6,000 महीने में करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन लेसर की परमिशन की जरूरत होगी। ठीक है। देन लाइबिलिटीज अब क्या है लेसी की, तो के से लेकर के क्यू में दे रखा है कि लेसी की लाइबिलिटीज क्या है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स मटेरियली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि लेसी को पता है कि इसकी प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ी हुई है, तो वो उसको बताएगा, जरूरी है बताना। देन ड्यूटी टू पे रेंट और कंसिडरेशन ऑफ द लीज, अब जो भी कुछ रेंट है या कंसिडरेशन है वो भी पे करेगा। ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी, सही से उसकी प्रॉपर्टी को रखे, कोई तोड़ फोड़ ना मचाए अपनी तरफ से। देन ड्यूटी टू गिव नोटिस टू लेसर ऑफ एनी एनक्रोचमेंट इन प्रॉपर्टी, एनक्रोचमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर लेते हो तो वो एक तरीके से खराब होने लगती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये नोटिस भी लेसी को देना पड़ेगा कि एक एक्सेस वे में, इसको बेसिकली आप कह सकते हो कि एक्सेस वे में अगर किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है तो वो चीज़ थोड़ी सी खराब होने लगती है, तो अगर वैसा कुछ है तो उसका भी नोटिस जो है लेसर को देना पड़ेगा। ड्यूटी टू यूज़ और इन्जॉय द प्रॉपर्टी इन रीजनेबल वे, रीजनेबल वे में सही से जो है उस प्रॉपर्टी को इन्जॉय करना, यूज़ करना लेसी की लाइबिलिटी है, ड्यूटी है। ड्यूटी टू इरेक्ट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर विदाउट लेसर्स कंसेंट, कुछ भी परमानेंट स्ट्रक्चर वगैरह है तो वो उसको हटा सकता है, इरेक्ट कर सकता है। ठीक है।
बिना लेसर के कंसेंट के, यहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं है, ड्यू टू टू री ट्रांसफर द पोजेशन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। जब लीज खत्म हो जाए, डिटर्मिनेशन का मतलब है लीज जब एंड हो जाए। हमारा नेक्स्ट लेक्चर टीपीए का इसी बात पे होगा कि डिटर्मिनेशन या फिर एंड लीज किस तरीके से होती है या उसका टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जब एक बार एंड हो गई है लीज, तो उसको रिट्रांसफर करना होगा पोजेशन, लेसी हो लेसर को रिट्रांसफर करना होगा पोजेशन। सो आई होप आप लोगों को ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी अपना आंसर लिख रहे हो, इतना अगर आपने लिख लिया है तो इट इज मोर देन इनफ पूरी, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है ना। तो अगर सब कुछ उसमें से लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ में से ही थोड़ा थोड़ा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके कीवर्ड्स हैं वही यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर आपने ये लिख लिया है तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट वगैरह, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।